तो देखो, कुछ दिन पहले ओडिया मूवी इंडस्ट्री में एक मूवी रिलीज हुई जो काफी चर्चा में रही, जिसको लोगों ने भी काफी पसंद किया। और अब उसी ओडिया इंडस्ट्री से एक और मूवी आ रही है जो रिलीज होने से पहले ही चर्चा में है। क्या हाल है सबके, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आरडी एक्सेस भी। प्रतीक्षा इसी मूवी की बात कर रहा हूँ मैं जो रिलीज होने से पहले ही चर्चा में आ गई, जब अनुपम खेर ने इसको बॉलीवुड में रीमेक करने की अनाउंसमेंट कर दी। तो आओ इसके बारे में थोड़ी बहुत हम भी चर्चा करते हैं। चर्चा में क्या करेंगे, वही करेंगे जो पिछले 2-3 वीडियो से मैं करते आ रहा हूँ कि क्या जरूरत थी इसकी। जब से चैनल शुरू किया तब से 2 वीडियो को छोड़ के बाकी सब रीमेक वाली है। चैनल का नाम आरडी एक्सेस व्यू नहीं रीमेक रिव्यू रखना चाहिए था। प्रतीक्षा की बात करें तो ट्रेलर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ट्रेलर में वही दिखाया गया एक मिडिल क्लास लड़का जो इधर उधर इंटरव्यू देते फिर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के। ऐसा क्यों, क्योंकि तुमको पता ही होगा कि गवर्नमेंट जॉब में कितना ज्यादा स्कोप है, ऐसा मीम्स में देखा है, बाकी मुझे नहीं पता। हाँ तो हम कहाँ थे, एक मिडिल क्लास लड़का है जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको नहीं मिल रही। हाँ लेकिन उसको लगता है कि पैसे और किसी नेता के सिफारिश से उसको जॉब मिल सकती है। फिर एक दिन उसके पापा बीमार हो जाते हैं फुल सीरियस, तो सारी जिम्मेदारी वही लड़के के ऊपर आ जाती है जो ठहरा बेरोजगार, जिसके पास कोई काम नहीं है और उसके पास जितने भी पैसे बचे थे सारे के सारे वो हॉस्पिटल खर्चे में और दवाई में खत्म हो गए। अब लड़का सारी चीजों को कैसे मैनेज करेगा, बेसिकली वही सब दिखाया जाएगा। स्टोरी तो काफी बढ़िया लग रही है लेकिन इसको कैसे दिखाते हैं वो मूवी मेकर्स पे डिपेंड करता है। और हाल ही में इसकी स्क्रीनिंग की गई थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जहां अनुपम खेर भी मौजूद थे। उन्होंने ये फिल्म को देखा और उनको इतना पसंद आया कि वहीं पे उन्होंने अनाउंस कर दी कि इस फिल्म की हिंदी रीमेक जो है उनके प्रोडक्शन हाउस में बनने जा रही है और इस फिल्म में जो हीरो का पिता का रोल है वो प्ले करने वाले हैं। अच्छी बात ये रही कि सेम डायरेक्टर को लेके ये पिक्चर बनाई जाएगी। चलो ठीक है, पिछले साल तक शायद ही किसी को पता थे कि ओडिया मूवीज भी बनती हैं, पर अब ओडिया मूवीज भी बॉलीवुड में रीमेक होने जा रही है, तो ये ओडिया मूवी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ इसकी क्या जरूरत थी, अगर पिक्चर इतनी ही अच्छी है उसको हिंदी में भी तो डब करके रिलीज कर सकते थे। ओरिजिनल जो है बेटर डिजर्व करनी चाहिए रीमेक से, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हाँ, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।